आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण नहीं तो योगी की पूजा बाद में होगी, पहले कश्यप समाज की पूजा होगी। जो जो निषाद जी थे वो कश्यप समाज के थे और भगवान श्री राम शुरू से राम जी नहीं थे, उनको भी उनकी भी नैया पार हमने ही लगाई थी। हम भाट भिखारी नहीं है, हम जल पे राज करने वाले हैं, बनों पे राज करने वाले हैं। हम राम मंदिर हमारे मन में है, लेकिन हमें पहले आरक्षण चाहिए। मोदी जी से खुश नहीं है, नहीं है, हम मोदी जी को साथ हम मर मिटेंगे। उत्तर प्रदेश में राज है, योगी का गुंडा राज है। मोदी योगी की सरकार युवाओं ने और हमारे समाज ने मिलके बनाई है, अगर हम बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। अधिकार नहीं मिल रहा तो फिर मैं क्या देंगे? ये मैम 5 किलो अनाज मिल रहा है, 5 किलो में परिवार का पालन पोषण हो जाता है क्या? अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे वो गाड़ी देख सकते हैं, उस पर लिखा हुआ है कश्यप निषाद समाज की 17 उपजातियों की है ललकार, आरक्षण चाहिए अब की बार। ये लोग जो है आरक्षण लेने के लिए यहाँ पे मौजूद है, मेरे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से बात करेंगे। क्या करने के लिए आए हैं? हम आरक्षण मांगने के लिए आए हैं यहाँ पे, आरक्षण लेने के रहेंगे। हमें जो है 1950 से जो है आरक्षण हमारे केंद्र सरकार ने दिया है, तो अब की बार हमने गंगा जल दो और आरक्षण लो, ये हमारा नारा है। गंगा जल लो, आरक्षण दो, अगर आरक्षण नहीं तो गंगा जल नहीं, ये हमारा मेन उद्देश्य है। गंगा जल देंगे ही नहीं किसी, नहीं गंगा जल देने के ही नहीं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में घोषणा की थी, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और माँ गंगा के आशीर्वाद से आज मैं प्रधानमंत्री बना हूँ। तो हमने भी यही प्रण लिया है कि जब गंगा के आशीर्वाद से भी प्रधानमंत्री बने हैं तो हमारे गंगा जल से कम हमारे बच्चों का तो उद्धार कर दे, हमें आरक्षण दे दीजिए। हम अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं, हमें अनुसूचित जाति में सम्मिलित कर लिया जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम लोग हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ओर हमारे यहाँ पे काफी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सब लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक गंगा जल को छूने नहीं देंगे। तो भाई ये ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी 2000 जब चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो घोषणा में इसने ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। जब माँ गंगा ने उनको बुलाया तो हमें भी, तो माँ गंगा ने के वंशज तो हम भी है, क्योंकि भगवान ने जब श्री राम जी को भी गंगा पार कराया था तो कैसा प्रधानमंत्री के साथ ऐसा करेंगे? प्रधानमंत्री जो है वो गरीबों की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो हम भी तो वही बात कर रहे हैं। हमारा किसने विकास किया ये बताइए, हम भी तो अपना 2024 में जिताइए विकास हो जाएगा। जब अब विकास नहीं हो रहा कैसे विश्वास कर लेंगे हम लोग? अब आप ये बताइए, इन्होंने हमें ये कहा था, आपने देखा कि NCR का जो कश्यप समाज है वो भी अनुसूचित जाति में सम्मिलित है, लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश का तो मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? कहाँ नहीं मिला, मिल तो रहा है, नहीं मिला। अलग बिहार अगर मिलता तो यहाँ थे हम लोग। कहाँ से आप लोग? हम लोग यूपी से। अरे यूपी से हैं? हाँ। योगी के राज्य से हैं, राम राज्य से हैं। अभी तो राम राज्य आया नहीं वहाँ पे, राम राज्य है नहीं, कौन कह रहा राम राज्य? योगी की पूजा। अरे राम राज्य ऐसा है, देख लो भगवान गुहराज जो निषाद जी थे वो कश्यप समाज के थे और भगवान श्री राम शुरू से राम जी नहीं थे, उनको भी उनकी भी नैया पार हमने ही लगाई थी, ना कि किसी और ने लगाई थी, तो हमारी भी तो कोई नैया पार लगाएगा। आज आपने देखा श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान निषाद राम जी की वो मूर्ति बनवा रहे हैं, वो मूर्ति नहीं है, उसको कलंकित कर दिया गया है। हमारे जो भगवान निषाद राज थे वो राजा थे, और आप उस मूर्ति की प्रतिमा को जाके देखो ऐसे बना दी जैसे कोई भाट भिखारी। हम भाट भिखारी नहीं है, हम जल पे राज करने वाले हैं, बनों पे राज करने वाले हैं हम। अब योगी की पूजा होगी, योगी की पूजा बाद में होगी, पहले कश्यप समाज की पूजा होगी। बहुत बढ़िया, होलिका माता की जय। सोरो सूकर क्षेत्र होलिका माता की जन्म भूमि है, उसको हम होलिका धाम घोषित करा के रहेंगे, ठीक है? गंगा जल आपको तभी मिलेगा जब हमें आरक्षण मिलेगा, बस मैं यही कहना चाहूंगा। गंगा नदी को पकड़ के रखेंगे आप लोग? मैडम हम किसी को नहीं घुसने देंगे, हमसे बड़ा गोताखोर कोई नहीं है, ये भी ध्यान रखना, हमसे बड़ा गोताखोर कोई नहीं है। हम सबकी नैया पार लगा सकते हैं ना, तो अच्छी अच्छी खिबैया भी पार लगा सकते हैं हम। आप लोगों को जो है OBC प्रधानमंत्री पच नहीं रहा है? क्या नहीं पच रहा मैडम? कुछ नहीं, क्या नहीं पच रहा मेरे को बताओ? हमारी 17 पिछड़ी जातियां हैं, कश्यप निषाद केवट मल्ला रायकवार माझी तुरा, ये कहाँ जाएंगे? हमें आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? अनाज तो मिल रहा है, पास नहीं मिल रहा मैडम। हम अपना मेहनत करके खाने वाले हैं, हम जंगलों में भी राज हम ही करते हैं,
गंगा जल चाहिए आपको तो आरक्षण दे दो, बस बात खत्म हो जाती है। आरक्षण क्या कर रहे हैं मैम, अनाज से कुछ नहीं होने वाला है, हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा आरक्षण होगा तब शिक्षा मिलेगी। रामराज में शिक्षा तो है, रामराज में शिक्षा है, मजदूरी तो वही 200 की है। 10वीं 12वीं के बाद में हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा लेंगे, एक फॉर्म 1500 का भरा जाता है। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आप लोगों को, हिंदू राष्ट्र आरक्षण चाहिए, हिंदू राष्ट्रवाद की बात है, पहले आरक्षण चाहिए, राम मंदिर नहीं चाहिए, राम मंदिर वाद की बात, राम मंदिर हमारे मन में है लेकिन हमें पहले आरक्षण चाहिए। कसम समाज, कसम समाज। अब योगी ही आएंगे, जब भी आएंगे, और योगी जी नहीं आएंगे, अब योगी जी नहीं आएंगे, ये मोदी जी आएंगे, नहीं मोदी जी भी नहीं आएंगे, अब तो जो कच्चा समाज चाहेगा वो आएगा, अब तो जो सन 2024 में क्या कर लेंगे आप लोग, आप लोग क्या कर लेंगे? हम मैम 26 करोड़ है पूरे भारत में, अगर हम यहाँ से उठा के वहाँ बैठाना जानते हैं तो वहाँ से उतारना भी जानते हैं, क्या कर लेंगे आप लोग? गृह मंत्री बोलते हैं जब भी आएंगे मोदी जी आएंगे। मैम हमें किसी से कुछ नहीं लेना, हम लिख लिया हमने, हम खुद का प्रधानमंत्री बनाएंगे, बनाएंगे कोई भी अदरवाइज पर्सन कोई भी हो, हम खुद का बनाएंगे, जो हमें आरक्षण क्या बताऊं मैं आपको बना दे, अरे आरक्षण तो आप लोग हमारे समाज से हो मैडम, आप भी तो हमारे समाज से हो, मुझे प्रधानमंत्री बनाएंगे, बिल्कुल बना देंगे जी, ये पब्लिक अगर ये जनता चाहेगी ना तो आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, बेफिक्र रहो, ये हमारे हाथ में है, ना कि किसी और के, वो सब छोड़िए, जो सत्ता चला रहा है, जो कलम चला रहा है उसके हाथ में नहीं है, ये सब हमारी जनता के हाथ में है, जनता सब जानती है किसको कहाँ बिठाना, किसको कहाँ नहीं बिठाना, बस 24 में पलट देंगे तख्ता मैडम, बिल्कुल पलट देंगे, अगर हमें दिखाई देगी उम्मीद तो हम बिल्कुल पलट देंगे, ये अभी तो थोड़े से ही हैं, कुछ दिनों में हम चक्का जाम भी करेंगे, अरे आन लग रहे धीरे धीरे, अभी तो रस्ते में है, मजदूर आदमी है, धीरे धीरे आन लग रहे भाई बेचारे, चाहे किराए से आओ चाहे कैसे भी आए, आएंगे जरूर, पैदल चल के भी आएंगे, अरे जैसे कोरोना काल में चले ऐसे चल के आ जाएंगे, मेरे साथ इन सबके नेता हैं, हम उनके पास चलेंगे, जो 15 दिन से लगभग कितने दिनों से वो चल रहे हैं, 15 दिन से चल रहे हैं, ये इनका पैर, देखिए देखिए ये जो हमारे जो रिपोर्टर है ये शिखा जी मान नहीं रही है, मुझे रिलीफ नहीं दे रही है, मैं इसलिए अपना कोई वर्जन अभी फिलहाल नहीं दे पाऊंगा, सभी कार्यकर्ताओं को कितना दुख, कितना दुख को मैं अभी माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी मैं इनकी बात नहीं मान पाऊंगा, शिखा जी की ये मान नहीं रही है, ये मेरे समाज की, इसलिए मैं इनकी सुन रहा हूँ, और कोई पत्रकार होते तो कहता हट जाओ। अच्छा, तो जैसे सुन सकते हैं आप, इनकी अभी निजी जिंदगी चल रही है अभी, हाँ तो आप लोग बोलिए क्या बोल रहे हैं, कितना तकलीफ हुआ इनको, कितने तकलीफ का सामना करना, अरे हम पैदल चल के आए मैडम, पैदल चल के आए हम लोग, कावड़ लेकर आए हैं, समाज के हित के कावड़ लेकर आए, मोदी जी के लिए कावड़ लेकर आए, के लिए तो मोदी जी राम मंदिर बनाया, आप लोग पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, आरक्षण लेके क्या करेंगे, राम मंदिर तो हमारे दिल में है, ये राम पूजा से मिले आरक्षण, इसलिए डाल हम 15 दिन से हरिद्वार से यहाँ तक पैदल चलकर आ रहे हैं, 15 दिन की हमारी ये यात्रा है, गंगा जल लो, हमें आरक्षण दो, आरक्षण मिलेगा, हमारे बच्चे पढ़कर हमारा कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, शिक्षा भी तो मिल रहा है, कहाँ मंदिर मिल रहा है, हिंदू राष्ट्र मिल रहा है, अनाज से क्या हो रहा है, खाली सभी को मिल रहा है अनाज, अभी अभी 2004 में एक आया था कि गरीब जो आदमी है उनको मैं अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाऊंगा, उनका बिजनेस मोदी जी से खुश नहीं है, नहीं है, हम मोदी जी को मर मिटेंगे, प्रधानमंत्री जी हमें आरक्षण दे, जो हमारे बच्चों को फ्री पढ़ाई हो सके, स्कॉलरशिप मिलेगी हमारे बच्चों को, सब कुछ आप ही लोगों को चाहिए, 5 किलो अनाज भी ले रहे हैं, भीख नहीं चाहिए हमें, भीख नहीं चाहिए हमें, आरक्षण चाहिए, 5 किलो अनाज में आप अपना गुजारा करिए, हमें नहीं चाहिए अनाज, बाबा अम्बेडकर साहब ने, एक मिनट मैम, बाबा अम्बेडकर साहब ने जैसे एक भारत एक संविधान बनाया है, उसके आधार पे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमारे दर्शकों को, एक मिनट, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप लोग काम क्या करते हैं, आप लोगों का क्या काम? अरे हमारा काम गंगा माँ के किनारे रहते हैं, उस वहाँ पे तिरैया है, हम सिंगाड़ा डालना, मजदूरी करना, मेहनत करना, ये हमारा काम है, भारत सरकार ने तो भारत सरकार ने जनरल वालों को 10% आरक्षण दिया है, हमारे समाज लोग तो गरीब है, 10% वो गरीब है, अरे हमें 10% दे दें हम उसमें खुश हैं, लेकिन अलग से आरक्षण कर दें हमारे लिए, हमें 10% आरक्षण कर दें, जनरल वालों को, आपको क्या लग रहा है कि भारत सरकार जो है जनरल वालों को ज्यादा महत्व दे रही है? बिल्कुल दे रही है, हमारे समाज की 17 उपजातियां हैं, किसी को भी कहीं कोई हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, भारत सरकार कोई हमें मान सम्मान नहीं दे रही है, आप लोग कहाँ से
यूपी से तो वहाँ तो राम राज है। कहाँ है राम राज? वहाँ पे सबका साथ सबका विकास राज है। गुंडा राज है वहाँ, गुंडा राज है उत्तर प्रदेश में, गुंडा राज है योगी का, गुंडा राज है, गुंडा राज है। तानाशाही है, तानाशाही। आप लोग बदनाम कर रहे हैं। बदनाम कैसे कर रहे हैं? गुंडा राज है ये, बदनामी। यूपी में गुंडा राज चल रहा है। हमने तानाशाही है, सरकार को सपोर्ट किया है दिलो जान से। जब हमें हमारा अधिकार नहीं दे रहे तो क्यों करें हम लोग? सपोर्ट ही सपोर्ट है। जो हमारा मुद्दा वो आरक्षण का है, बाकी हमें बहलाना फुसलाने की कोशिश ना करें अब। हमारा एक ही मुद्दा है आरक्षण। सारे युवा आ चुके हैं। 2024 में जिताइए, फिर आप लोग को आरक्षण मिल जाएगा। जो 2014 में तो अब नहीं जिताने वाले हम, जो जा लिया वो हो लिया, अब नहीं जिताने वाले हम। आरक्षण मोदी योगी की सरकार युवाओं ने और हमारे समाज ने मिलके बनाई है। अगर हम बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अरे वो जिसे हम चाहेंगे फिर वो बनेगा। राहुल गांधी? नहीं, ऐसे कैसे कह देंगे, ऐसे कैसे कह देंगे? आरक्षण तो मिलने दो, आरक्षण मिल जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएगा हमारे। अगर ये आरक्षण दे दे तो दोबारा से इनको ही बना देंगे फिर। आप लोगों को क्या दिक्कत है? मोदी की सरकार आरक्षण की है। आरक्षण को सिर्फ छोड़ के, एक मिनट, आरक्षण को सिर्फ छोड़ के बात कीजिए तो आप लोगों को, महिलाएं आपकी सुरक्षित है, बहु बेटियां सुरक्षित है। एक मिनट, बहु बेटियां सुरक्षित है, पढ़ाई लिखाई या ना आप बता रही हैं, आप ही जवाब दे रही हैं। हमारे सुरक्षित है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है। यूपी चलो सरकारी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का जब पता चलेगा आपको। उधर मास्टर आते हैं आराम से सोते हैं बैठ के, बच्चे कहीं जाओ कोई कहीं जाओ, प्राइवेट में पढ़ाओ बच्चा। फिर सरकार का क्या फायदा? फिर सरकार का क्या फायदा? आगे अपने मुद्दे पे आप आगे, सरकार का क्या फायदा है फिर बताओ? मैं आप ही बताओ, जब हम फ्री में ही चाहिए, फ्री में कौन मांग रहा? अपना अधिकार मांग रहे? फ्री में कौन दे रहा हमें? फ्री में कौन सी सरकार देती है? अधिकार नहीं मिल रहा था, फ्री में क्या देंगे ये? मैम 5 किलो अनाज मिल रहा है, 5 किलो में परिवार का पालन पोषण हो जाता है क्या? बताइए। अरे गांव के आदमी है, मेहनत मजदूरी करने वाले। आखिरी सवाल, अगर आप लोग आरक्षण नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? यही धरना धर के बैठ जाएंगे यही। क्या हो जाएगा? मोदी आएगी, किससे हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा इससे तो। उन्हें कौन जानता था, वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री बनने थे। आज से पहले पूरे भारत में उनकी सीट भी नहीं निकलती थी, आज कश्यप समाज ने उन्हें यहाँ बैठा दिया। तो आप कह रहे हो कि यहाँ बैठने से क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा 2024 में। अब जा इलेक्शन क्या करेंगे 2024 में? वोट नहीं देंगे, सरकार नहीं बनने देंगे। अगर हमारा आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। हाथ नीचे रखो ना भाई, हाथ पे लो आराम से। आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण नहीं तो, आरक्षण नहीं तो। आप लोग देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे भारी तादाद में मौजूद हैं और ये लोग कह रहे हैं जब तक आरक्षण नहीं देंगे तब तक हम आपको गंगा जल नहीं देंगे। और उसके बाद कि अगर आरक्षण नहीं मिला तो 2024 में मोदी की सरकार नहीं बनने देंगे। आप लोगों की पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। धन्यवाद।